हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम चैप्टर टू जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है टेन प्लस वन का उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डेट इज़ द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ द नेचुरल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट एंड एकेडमिक पेपर में भी आता है ये सबसे पहले क्लासीफिकेशन की ज़रूरत क्यों है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज़म स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज़म ऑफ़ ए ग्रुप गिव द सफिशेंट इंफॉर्मेशन बोर्ड द असेंशियल फीचर ऑफ ग्रुप किसी ग्रुप के सभी ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में दस हजार भी हो सकते हैं बीस हजार भी हो सकते हैं सभी को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है तो उनमें कुछ खास करैक्टर होते हैं एक दो रिप्रजेंटेटिव को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिकेशन ऑर्गेनिज्म कैनोट भी आइडेंटिफाई बिना क्लासिकेशन के सिस्टम के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डो नोट अक्कर इन वन लोकेलिटी सर सभी जीव एक जगह पर नहीं मिलते कहीं पानी में मिलते हैं कहीं जंगल में मिलते हैं कहीं हवा में मिलते हैं सो डिफ़िकल्टी है इसमें द ऑर्गेनिजम ऑफ द पास्ट कैन ऑट बी स्टडी प्रॉपर विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिकेशन जो ऑर्गेनिज्म अब नहीं है अगर हमने कोई ऐसा क्लासिकेशन का सिस्टम डिवेलप नहीं किया जैसे डाइनासोर को हमने स्टडी करना हो तो हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम देखते हैं तो इसलिए हमें क्लासिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये रिलेशनशिप पता करने में हेल्प करती है अलग अलग जीवों में जैसे प्लांट का एनिमल के साथ क्या रिलेशन है अमीबा का ह्यूमन के साथ क्या रिलेशन है या रेप्टाइाइल का एम्यूबियन के साथ क्या रिलेशन है वर्ल्ड का रेप्टाइल के साथ क्या रिलेशन है ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप सिंपलिसिटी और कंप्लेक्सिटी फाउंड इन द मेम्बर ऑफ वेरियस टैक्सा एवोल्यूशनरी ट्रेंड कैन बी नोन अगर हमें रिलेशनशिप पता चल जाए तो हम सभी चीज़ें देख सकते हैं वो कितना सिंपल है टैक्सा कितना उसमें कम्पलेक्स है ऑब्जेक्टिव क्या है अब क्लासिकेशन के आइडेंटिफाई करना और डिस्क्राइब करना स्पीसीज को अरेंज करना स्पीशीज को वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी टू यूबोल ए नेचुरल फाइलोजेनेटिक सिस्टम एक डेवलप करना जो उनका ओरिजन एंड एवोल्यूशन बताए हेल्प इन ईजी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ईजी करना तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे इधर थ्री मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक आज हम करेंगे आर्टिफिशियल एंड नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या है ये यूज़ करता है वन और टू मार्फोलॉजिकल करैक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ करैक्टर देखते हैं ग्रुपिंग में हेल्प करता है एंड सम आर्टिफिशियल सिस्टम हैव यूज हैबिट एंड हैबिटेट फॉर दिस परपजस कई ऑर्गेनिज्म की आदतें देखते हैं और उनका घर देखते हैं कहाँ मिलता है वो जैसे अरिस्टोटल ने 350 बीसी में डिवाइडेड एनिमल इनटू टू कैटेगरी इसने कहा था दो तरह के एनिमल होते हैं इनामिया जिसमें रेड ब्लड होता है एनामिया जिसमें रेड ब्लड नहीं होता अरिस्टोटल ने क्लासीफाई भी किया था उनके हैबिटेट के हिसाब से जैसे पानी में मिलते उसको क्वेटिक कह दिया जैसे फिश एंड वेल जमीन पे मिले उसको टेरेस्ट्रियल कह दिया रिपटाइल एंड कैटल हवा में मिलने वाले वर्ड्स एंड बैट कह दिया एरियल उसके बाद आई पिन प्लिनी एंड एल्डर तेईस से सेवेंटी नाइन ए में उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम यूज़ किया प्लांट एंड एन एनिमल के लिए इंडवाइडिंग देम इनटू लैंड एयर एंड वाटर उसने कहा था एनिमल लैंड एयर वाटर में मिलते हैं एंड जो प्लिनी थे डिस्टिंग्विश एनिमल इनटू फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट उसने कहा दो तरह के जानवर होते हैं जो उड़ सकते हैं जो नहीं उड़ सकते फ्लाइट एनिमल इनकलूड फ्लाइट में इसने कह दिया था बैट बर्ड एंड इंसेक्ट उसके बाद लीनियस ने भी कंसेप्ट दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम में प्लांट की क्लासिफिकेशन के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्स ऑर्गन इनटू 24 क्लासेस सेक्स ऑर्गन के हिसाब से प्लांट की क्लासिफिकेशन भी की थी लीनियस ने जैसे मोनोकार्डिया डाई एंड्रिया पोली एंड्रिया डाईडेनमिया मोनीशिया क्रिप्टोगेमिया ये है जैसे डाई मतलब डाई एंट्रिया मतलब दो मेल दो मेल करैक्टर हैं पोली एंड्रिया एक से ज़्यादा मेल सेक्स ऑर्गन है ऐसे डाइडाइनिया दो ग्रुप में है मुनेशिया आपको पता ही है मेल फीमेल जब इकट्ठा मिलता है क्रिप्टो मतलब होता है फॉल्स जिसमें क्रिप्टो सेक्स ऑर्गन जिसमें ट्रू नहीं बने तो उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ईजियर है प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड में बट इसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स है इट डज नॉट स्टडी होमोलॉजी बट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस होमोलोगी नहीं बताता जे डिफरेंट रिलेशनशिप बताता नहीं है जे सिर्फ वही चीज़ें बताता है जो कॉमन ऑर्गेनिज्म में है जैसे इंसेक्ट भी उड़ सकते हैं पंछी भी उड़ सकते हैं बैट्स भी बट ये तीनों अलग अलग हैं जे एनोलोगी आ गई जैसे इंसेक्ट हैं वो नॉन कोअर्डेट हैं पंछी कोऑर्डेट में आते हैं बैट्स मैमल में आते हैं तो ये देखने में तो करैक्टर सेम आ रहा है बट ये डिफरेंट है ये चीज़ें ये बताता नहीं है जे सिस्टम एम्प्लाई करता है वन ऑफ टू मार्फोलॉजी एंड इकोलॉजिकल ट्रेड करैक्टर अप इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शो प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव एंड पैरलो रेवोल्यूशन इसमें एडवांसमेंट भी पता चलती है कि ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड चले जाते हैं जैसे हार्डमीनिया जो है अडल्ट देखे या उसका लार्वा देखे अडल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता बट जो उसका लार्वा मछली जैसा आता है उसमें कोर्डिट करैक्टर होते हैं लार्वा में अडल्ट में नहीं होते उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव पैरलोर में होता है दो एनिमल कट्ठे एवोल्यूशन हो उसको पैरलोर कहते हैं सो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप इसमें नेचुरल रिलेशनशिप पता नहीं चलता ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ए क्लियर कट एवोल्यूशनरी लाइन इनमें क्लियर कट एवोल्यूशनरी लाइन पता नहीं चलती सम करैक्टर दे में भी मोर एडवास हो जाते हैं कहीं में वो प्रिमेटिव करैक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट एफिनिटी गेट अरेंज इन सेम ग्रुप लाइक बर्ड बैट एंड इंसेक्ट इन फ्लाइट एनिमल और कैटकाई यूफोर्बिया एंड हेलोफाइट अमांग द सकुलेंट लीनियस जो था उन्होंने मोनाइ्रिया इनक्लूड द बोथ डाईकोट एंड मोनोकोट बाइल हिज डाई डेनविया हैज़ बोथ द लेबियट एज वेल एज द जिमनोसफर्म तो इसमें कन्फ्यूज़न है जैसे मैंने पहले ही बात की है उड़ने वाले जानवर उसने एक ग्रुप में रख दिया लीनियस ने बट ये अलग अलग हैं ऐसे ही जो का, कांटे वाले दरख्त हैं जैसे कैटकस हो गया यूफोर्बिया ए सकुलेंट के साथ रख दिए बट सकुलेंट में कई फीचर अलग भी होते हैं सभी सकुलेंट में काटे नहीं होते मोन में उसने डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों ले लिए जिसमें लेबिएट भी ले लिया जिमनोसपरम भी ले लिया लेबिएट है एनडियोस्परम में आता है तुलसी लेबिएटा में आती है जिम्नोस्पर्म में आपके साइकस पाइनस आते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी है सम करेक्टर यूज इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेट चेंज्ड विद चेंज इन एनवायरनमेंट कई करैक्टर एनवायरनमेंट से चेंज हो जाते हैं जब कंडीशन चेंज होती हैं जैसे बाई एंड एन एनुअल हैबिटेट ऑफ रेडिस जो मूली है उसका हैबिटेट कब उसको ग्रो किया अलग अलग वराइटी हैं लार्ज एंड स्मॉल लीफ द सिस्टम डू नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द नेचुरल रिलेशनशिप ये सिस्टम जो है नेचुरल रिलेशनशिप नहीं देता तो मुझे उम्मीद आपको जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है समझ आ गया होगा ये इतना एडवांस नहीं है इसमें थोड़ी बहुत ही नॉलेज का यूज़ करके ही ये सिस्टम बना है बट जो नेचुरल सिस्टम है इट इज़ मोर एडवांस्ड एंड एलेबोरेटेड और इसमें कंसीडर किया जाता है कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करैक्टर सो डैट ब्रिंग आउट द नेचुरल सिमिलरिटी एंड डिसमिलैरिटी हैज नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इसमें कई करैक्टर देखे जाते हैं सभी एनिमल के करैक्टर को मिला के देखा जाता है फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे सिस्टम जो है ये उन करैक्टर की बात करता है विच आर रिलेटिवली कॉन्सटेंट जो करैक्टर चेंज नहीं होते जिसमें मार्फोलॉजिकल करैक्टर आएंगे बाहर से कैसा है अंदर से कैसा है जैसे अंदर से हमने पंछी को काटा जैसे इसकी नॉटमी वैसी ही रहेगी उसका पेट वैसा रहेगा सेक्स ऑर्गन वैसे रहेंगे ये नहीं सीजन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे बट कलर चेंज हो सकता है साइटोलॉजिकल सेल भी चेंज नहीं होगा फिजियोलॉजिकल जो चलेगा उसमें ओंटोजनी एंड डेवलपमेंट कैसे गैमेट बना कैसे वहाँ के गर्भ में प्रोड्यूस हुआ कौन सी रिप्रोडक्शन चलती है सेल में क्या है कौन से केमिकल हैं बायोकेमिकल कौन से हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी यानी एडवांस बहुत इलेबोरेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है काफ़ी इसके फील्ड है नेचुरो सिस्टम के द करेक्टरस्टिक्स जो हैं इसमें हेल्पफुल हैं इन ब्रिंगिंग आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी जितनी सिमिलैरिटी हम निकाल सकते हैं इससे पता चलती है जैसे मैमल आर करैक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मैमे मैमल्स को हम देखें तो उसमें मम्मे होते हैं जिससे वो मिल्क बच्चों को पिलाते हैं हेयर हैं और बच्चों को जन्म देते हैं उसके बाद उसके हार्ट के चार चैम्बर हैं उसके बाद ड्यू न्यूक्टेड आरबीसीज़ मैमल्स के आरबिसज़ में रेड वलर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता खून इनका गर्म होता है काफ़ी करैक्टर आ गए ना अ नंबर ऑफ करैक्टर बर्ड्स में विंग्स हैं फीदर्स हैं हड्डियाँ उसकी खोखली होती हैं न्यूमेटिक बोन कहते हैं अंडे देते हैं ओबीपेरस है चार चैम्बर हार्ट है आर में न्यूक्लियस होता है इनका भी बारह ब्लड होता है फ़िश में देखें तो उनमें लिम्ब नहीं होते बट फिंस होते हैं उनकी बॉडी जो है स्केल से कवर होती है गिल से फिश रेस्पिरेशन करते हैं फ़िश के दो हार्ट के चैम्बर हैं और ये कोल्ड ब्लडर हैं तो देखो आपको तीन चीज़ों की यहाँ एग्जाम्पल दी एक फ़िश की दे दी एक बॉडी की एक मैमल की कितना क्लैरिफिकेशन मिला इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट आर्टिफिशियल सिस्टम हमें नहीं दे पाता आगे है इट इज़ ए नेचुरल सिस्टम इसमें होमोलोगीज को देखा जाता है होमोलोगी में देखा जाता है भी ऑर्गेनिज्म का इनकेस्टर क्या है चाहे वो उनके करैक्टर डिफरेंट हो गए बट देखने में वो चाहे डिफरेंट लग रहा है बट उसके करैक्टर क्या है होमोलोगी में रिलेशनशिप होता है जैसे कॉमन फॉर्म देखनी है जैसे फोर आर्म ऑफ डिफरेंट लैंड वर्टिब्रेड सेम पैटाडिकटाली इनकेस्टर इट इज़ एक्सटर्नली मच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जैसे ग्रासपिंग इन ह्यूमन बींग ह्यूमन अपने फोर आर्म का खाना खाने में चीज़ों को पकड़ने में यूज़ करता है घोड़ा उससे रन करता है बेल मछली उससे फ्लाई स्विमिंग करती है पंछी उससे उड़ते हैं पंछियों को जो आगे वाली उनकी जो बाजुएँ हैं उनके विंग्स बन जाते हैं बैट्स के भी विंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसको कहते हैं होमोलोगी यानी उनका जो बेसिक चीज़ है वो चेंज हो गई है पंछियों के विंग्स में भी हड्डी है ठीक है ना बट उनका अलग अलग सिस्टम है होमोलोगी शो ईच ऑर्गन ऑन स्ट्रक्चर एवोल्ड इन एवोल्यूशन जी बताता है एवोल्यूशन के हिसाब से स्ट्रक्चर बना है होमोलोगी इज स्टडी इज इन केस ऑफ बायोकेमिकल एज वेल एज मोलिकुलर मोलिकुलर होमोलोगी इज फाइंडिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल मोलिक्यूल्स लाइक डी एन ए आर एन ए प्रोटीन्स ये मोलिक्यूल लेवल पर भी ऊपर स्टडी हो जाती है इवन सर्टन बायोकेमिकल्स जो हैं किसी के ग्रुप में बायोकेमिकल्स भी मिलते हैं जैसे बीटा साइनिन जो है बीट रूट में मिलते हैं एंड रिलेटेड प्लांट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेड यूटिलाइज द स्टडी ऑफ केमिकल इन क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं कीमो टैक्सोनोमी यानी टेक्सोनोमी केमिकल का भी यूज़ करती है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी का करनी पड़ती है नेचुरल सिस्टम में नेचुरली हमने देखना है जैसे बीटा साइनिन की बात की तो ये बीट फैमिली में सभी में ये केमिकल मिलेगा सो केमिकल के बेस पे भी हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं क्रोमोसोम केरियोटाइप आर डी उसके क्रोमोसोम कैसे इससे भी पता चल जाता है इन द नाइनटीन सेंचुरी मैनी कंपेरेटिव स्टडीज वर नॉट अवेलेबल साइंटिस्ट रिलाइड मोर अपॉन द मार्फोलॉजी एंड ए नाट इमेन करैक्टर नेचुरल सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द शीड प्लांट जो था एनजीओ स्पर्म का वो दिया था बेंथन एंड ह्यूकर ने कैसे हम एनजीओ स्पर्म की क्लासिफिकेशन करें एंड देर थ्री वॉल्यूम तीन उसने बुक छापी थी जनेरा प्लेटेरम तीन इसके बॉल्यूम आए थे उसमें डिटेल बन बताया था कैसे हमने एनजीओ फॉर्म को क्लासीफाई करना है दिस डे द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासीिकेशन इज नॉट ओनली ब्रिंग आउट नेचुरल रिलेशनशिप बट आल्सो स्टडी द एवोल्यूशनरी ट्रेंड इससे एवोल्यूशन भी पता चलता है फाइलोजनी भी पता चलती है कैसे वो आइडेंटिफाई हुआ हम इसमें फॉसिल भी देखते हैं जमीन के नीचे खुदाई भी करनी पड़ती है कि इसका फॉसल है सो so, इसमें क्या है बेटर है उससे क्योंकि इसमें स्ट्रेस दिया जाता है एक्चुअल स्टडी के ऊपर कंपेरेटिव स्टडी के ऊपर अफिनिटी भी देखी जाती है और करेक्टर का नंबर भी देखा जाता है नेचुरल रिलेशनशिप पता चलता है ऑर्गेनिज्म ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं ग्रुप में और प्रिवेंट करता है कमिंग टुगेदर ऑफ़ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म कई बार अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इकट्ठे ना क्लासीफाई हो जाएं जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में मैंने बताया कि वो लीनियस ने जो उड़ने वाले थे उनको इकट्ठा रख दिया बैट्स को इकट्ठा कर दिया इंसेक्ट को इकट्ठा कर दिया बर्ड्स को इकट्ठा कर दिया बट वो डिफरेंट हैं नेचुरल सिस्टम इन चीज़ों को डिफरेंट कहता है ठीक है बेटे तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बाकी यहाँ डिफरेंस के पॉइंट आप पढ़ लीजिए ये यूज़फुल है फील्ड के लिए ये लेबरेटर स्टडी के लिए है यूटिलाइज़ करता है दो करैक्टर को काफ़ी करैक्टर देखता है ये इसमें ये चीज़ें नहीं होती इसमें जो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं साइटोलॉजी साइटोकेमिस्ट्री ओंटोगी उन्टो, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी केमिकल इसमें होमोलॉजी नहीं स्टडी करते इसमें होमोलॉजी देखी जाती है इसमें अनरिलेटेड एनिमल भी इकट्ठे रख दिए जाते हैं बट इसमें अलग अलग रखे जाते हैं रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस इन सेम ग्रुप रिलेटेड को इकट्ठा रखा जाता है इसमें कई बार डिफर भी हो जाते हैं सो so, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बहुत ज़्यादा जे लेबोरेट टॉपिक है अगर आप ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल के ऊपर देखें बट आपके प्लस वन प्लस टू लेवल के लिए इतना शफिशेंट है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच